खबर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर है। योगी आदित्यनाथ ने अभी 24 घंटे पहले ही माफियाओं पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि माफियाओं के घर पर दो बूंद कोई आंसू बहाने वाला नहीं है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, कहीं कुछ हो ना जाए। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली हुई है। जी हाँ, सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली हुई है। पहले 24 घंटे पहले उन्होंने माफियाओं पर क्या कुछ कहा था वो सुनाते हैं, उसके बाद धमकी किसने दी, क्या कुछ कहा है धमकी में वो आपको बताएंगे। जो माफिया, जो अपराधी धमकी देते थे, आज आप देख रहे होंगे उनका कोई दो बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं कोई है, सब गायब। मैं इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूं कहीं हो ना जाए फिर कुछ। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। किसी अज्ञात शख्स ने 112 नंबर पर मैसेज कर ये धमकी दी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। सीएम योगी को मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और इस मामले की जांच में जुट गई हैं। सीएम योगी को धमकी मिलने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 506 और 507 IPC और 66 IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 अप्रैल की रात को 112 नंबर के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। इस मैसेज को कम्युनिकेशन अधिकारी शिखा अवस्थी ने उठाया, जिसमें सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस मैसेज का एक स्क्रीनशॉट ले लिया और तत्काल इसकी खबर बड़े अधिकारी को दी। इस मामले में अब लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि ये धमकी देने वाला शख्स कौन है। पुलिस आरोपी का पता लगा रही है। हालांकि आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ को इस तरह की धमकी दी गई हो। योगी सरकार के सख्त कदमों के चलते कई बार उन्हें इस धमकी का सामना करना पड़ा है। एक हफ्ते पहले भी उन्हें फेसबुक के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये फेसबुक पोस्ट बागपत के अमन रजा के प्रोफाइल से शेयर किया गया था। इस पोस्ट में भी सीएम योगी को गोली से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि अब सवाल यह उठता है कि सीएम योगी को 112 नंबर पर मैसेज भेजकर किसने जान से मारने की धमकी दी है।